हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। शॉर्ट रिवीजन पे बहुत ज़्यादा बच्चों की मांग है, लेकिन ये एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो, शॉर्ट रिवीजन से ही शॉर्ट होना चाहिए। फटाफट बच्चों, यहाँ पे गॉस लॉ है। गॉस लॉ का थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ यहाँ पे, कि सिंपल है, फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस होता है इसका मतलब। और इसी को फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बी डॉट डी एस, ओके, क्लोज इंटीजर। और इसी को लिख सकते बी, इसको डी एस, और ये कॉस थीटा बेटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आता तो कॉस, क्योंकि ये वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो लॉ है, लॉ के बारे में बता गया है, हम लोगों को एप्लीकेशन सीधा सीधा देखते हैं। एक स्पीयर लिया, अब जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उन्होंने देखना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो सिंपल एक स्पीयर लेना है, उसके ऊपर चार्ज लो बेटा, और इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है? जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी चेक करो तो सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बेटा? अवे। क्यों आए हुए? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई, और एरिया वेक्टर मतलब ऐसा एरिया ही है, तो ऐसा लिया है, जैसे ये सरफेस है तो ऐसा एरिया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, मतलब थीटा जीरो है दोनों के बीच में, ओके, समझ में आ रहा है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। हम लोगों को सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कौन है? स्पीयर, और स्पीयर का फॉर्मूला है 4πr², तो क्यू इज इक्वल टू, ये सिग्मा है, ध्यान रखना, ये 4πr², बात समझ में आ रही है, सिग्मा, ओके। हम लोगों को यहां पे सबसे पहले क्या निकालना है? ई वेक्टर डॉस डी एस वेक्टर, तो यहां पे होगा ई डी एस कॉस थीटा होगा, लेकिन थीटा जीरो है, क्यों है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस जीरो क्या होगा बेटा? मेरे पास वन होता है, तो मेरे पास फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीजर्स ऑफ, ये गॉस का लॉ है, ई डॉट डी एस, है ना, तो इसी को ई इंटू डी एस लिख सकता हूं, यस। तो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना है, डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, डी एस कौन है? एरिया। किसका बेटा? गॉसियन सरफेस, छोटा 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 एरिया लोगे तो सर्कल बनेगा, और सर्कल का, मैं सॉरी, स्पीयर है, सर्कल नहीं है, स्पीयर है, स्पीयर का एरिया जो होता है वो होता है 4πr², क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और ओरिजिनल जो स्पीयर था उसका कैपिटल आर है। चलिए, लेकिन गॉस लॉ क्या कहता बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू है, ये ई 4πr² है बेटा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाल देता हूँ, 1/4πε₀ आएगा, देखो ये इधर है तो, और ये क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, गॉट इट बेटा? ये गॉसियन सरफेस, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4πε³r². अभी क्यू की भी वैल्यू मेरे पास है तो पुट अप कर सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू 1/4πε₀, करेक्ट है। क्यू की वैल्यू क्या मेरे पास? सिग्मा, यहाँ पे 4πr² डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, तो 4π गेट भी कैंसल, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? कभी कभी ये गॉसियन सरफेस अगर इसी सरफेस पे निकालोगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, ठीक है बेटा। सिंपल है, 4πr² में एक फार्मूला पता होना चाहिए, स्पीयर का इंटीग्रेशन निकालते। अभी सिलेंडर लिया, या वायर बोल सकते, वायर, स्ट्रेट वायर। चलिए, हम लोगों को यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, जैसे कि पहले जैसे निकाला, तो थीटा जीरो पता है, कैसे? वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम होती है चार्ज से, और एरिया का, तो दोनों का थीटा है जीरो और कॉस जीरो होता है वन बेटा, तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ ई डॉट डी एस, इसी को अगर मैं ई डी एस कॉस थीटा, आप कॉस थीटा जो है बेटा वन है, तो इसीलिए ई इंटू डी एस बनेगा। चलो सर, फ्लक्स का फार्मूला क्लोज इंटीजर्स ऑफ ई डॉट डी एस, अब इसको भी ई इंटू डी एस, कोई टेंशन, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉमन बाहर निकलता, सॉरी कॉन्स्टेंट, और ये है डी एस। डी एस किसका? एरिया। किसका बेटा? सिलेंडर या वायर। वायर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2πr₀। क्या होता है बेटा? क्या होता है? 2πr₀, करेक्ट है ना? ये एरिया पता होना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं सर। और इसका फार्मूला क्या है?
किसका? गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई 2πrL। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और साथ में बेटा एक लैम्डा लिखता हूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सर ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखा था, चार्ज पर यूनिट एरिया 4πr², वैसे तो यहां q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल होगा। चलिए रख देते लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2πrL, करेक्ट है? तो मुझे लगता है यल दोनों साइड के जो भी है उसको खा लेते हैं और आगे बढ़ते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये लैम्डा, करेक्ट है बेटा? यहाँ पे लैम्डा ये इधर आएगा तो 2πε₀ into r ऐसे लिख सकते हैं। यस बेटा यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मेरे पास, किसके लिए? सिलेंडर के लिए। और यहाँ पे डायग्राम दी होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो अवे देखो बाहर, निगेटिव चार्ज रहे तो अंदर, सिंपल सी बात है ना। अभी एक सरफेस के लिए एक प्लेट ली, जैसे बुक है आपके पास, इधर भी सरफेस है इधर भी सरफेस है, ध्यान रखना बेटा आपके बुक्स में पेज नंबर 188 पेज बुक लेके बैठना जरूरी है लेकिन मेरे साथ, हाँ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है। तो फ्लक्स जब लिखोगे बेटा ध्यान रखना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। ऐसा क्यों लिखा है सर? देखो मैं दोबारा बता देता हूँ जिनको पता नहीं बेटा, हमारा फार्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट क्लोज ई इंटू डी एस। यस बेटा ऐसे ही है ना। अब यहाँ तो ये तो पक्का हो गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का एरिया सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो थीटा जीरो और कॉस जीरो वन होता है, तो वो हमेशा हमेशा क्यों लिखूं कि ई डी एस कॉस थीटा वन है, तो लिखने की जरूरत है, तो इसलिए ई और इसका डी एस का एरिया ए लिखा है। अब यहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे पाम दिख रहा है या बैक है, तो पाम की तरफ का ई ए और बैक की तरफ का ई ए दोनों साइड है, क्योंकि जब चार्ज मैं डाल दूं तो दोनों तरफ स्प्रेड हो सकते हैं, तो इसीलिए फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए ई ए टू, ठीक है ऐसा लिखा तो चल गया। अब फ्लक्स क्या है बेटा? है ना चार्ज पर यूनिट एरिया, करेक्ट है बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया करेक्ट है ना। तो चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं चार्ज पर यूनिट नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है ये एप्सिलॉन नॉट, बस ये लॉ इस्तेमाल करना था, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये टू ई ए। अब यहाँ पे सरफेस सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो क्यू क्या होगा बेटा मेरे पास? क्यू होगा मेरे पास सिग्मा इंटू ए, तो डाल देते यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू ए ई। समझ में आ रहा है आपको? कोई टेंशन तो नहीं है। तो मुझे लगता है ई ए ई ए गेट बी कैंसल, ए ए गेट बी कैंसल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा बेटा? ओके कोई फार्मूला ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल तो नहीं करने वाले हम लोग। हाँ सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले, पोटेंशियल एनर्जी देखो, कोई भी एक मैंने पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मान लिया और कहीं दूर से एक Q1 चार्ज जब लाऊंगा मैं धीमे धीमे हाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, तब बेटा वर्क कितना हो गया पहला जब चार्ज लाया तो आप बोलेगी जीरो। ओके सर अब मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा Q2, अब Q2 चार्ज जब लाऊंगा धीमे, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है मानो, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा, होगा कि नहीं? अब रिपल्शन हो गया तो किसी के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, पहले वर्क डन जीरो था, अब दूसरा जब चार्ज लाऊंगा तब नॉट इक्वल टू जीरो, कब कुछ वर्क करना पड़ रहा है बेटा, ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, इसी को बोलते हैं। पर देखो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, पॉजिटिव रिपल्शन, तो अगेंस्ट में जबरदस्ती लेके आना पड़ रहा है, इसी को बच्चों हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन देना है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, टेंशन मत लेना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते बेटा देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट एक चार्ज बेटा, मुझे ए से बी तक लाना है धीमे करके, लेकिन यहां से बी तक लाने का अंतर है R2 और पहले अंतर था R1, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ पॉजिटिव रिपल्शन, तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूं अपोजिट, देखो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट डेल आर इधर, अपोजिट डायरेक्शन है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है,
तो मैं मेरे पास वर्कडन बोलो या पोटेंशियल एनर्जी आपके बुक्स में जो भी लिखा है वही लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस एफ ई इंटू डी आर। सर ये ऐसा कैसे लिख रहे माइनस, समझ में आ रहा है? फोर्स इधर है, डी आर इधर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो होता है कूलम्स लॉ 1/4πε0Q Q0/r² डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है, मैं पुटअप कर रहा हूँ बेटा और इसको निकाल रहा हूँ, डी यू कर रहा हूँ, है ना, इसका निकालना पड़ेगा ना एनर्जी। ये माइनस यहाँ पे 1/4πε0 बेटा, ये Q Q0/r² × dr। कभी कभी यहाँ पे r यूनिट वेक्टर लिखते हैं, क्या आप लिखा तो चलेगा, नहीं तो बोलेंगे सर आपने नहीं लिखा है बुक में है, तो टेंशन मत ले, लिख सकते हर जगह पे लिख सकते आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एनर्जी यू है बेटा, ओके, हम लोग यहाँ पे 1/4πε0 को कॉमन निकाल रहे हैं, ये क्यू क्यू नॉट है, इंटीग्रेशन, लेकिन कहाँ से कहाँ, मैं आर वन से उठा के आर टू तक ला रहा हूँ, आर वन से आर टू तक, देखो वहाँ पे डायग्राम में देखो, आर वन से यहाँ उठा के लाना है, बी पे, ए से बी, है ना, तो अंतर देखना है। तो ये ऊपर गया तो माइनस टू इंटू डी आर बेटा, तो यहाँ पे U इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 कैपिटल Q, ये Q नॉट है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/r, पता है ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है भाई कि ये r रेस टू माइनस 1/-1 आ गया, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है ना, ये कैसे आया पता होना चाहिए, हायर लिमिट r2 है, ये है माइनस माइनस प्लस हो गया, वेरी गुड सर। तो U इज इक्वल टू द 1/4πε0 यहाँ पे कैपिटल Q, Q नॉट हायर लिमिट है r2 और ये लोअर लिमिट है r1, आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है 1/4πε0 कैपिटल Q, Q नॉट हायर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट, दो बार इसलिए लिखा यहाँ पे गंदा हुआ था, कभी कभी हम लोग ने माना कि ये r1 जो है इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से पार्टिकल आ रहा है, कहाँ आ रहा है सर, आर टू को आर माना है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे ओनली आर बचेगा, ये तो जीरो हो गया ना बेटा 1/∞, यस, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फाइनल मिलना चाहिए, क्यू वन क्यू टू या क्यू वन क्यू टू बोला है उन्होंने, ठीक है कोई टेंशन नहीं है, ओके, ये कैपिटल क्यू को क्यू वन बोला है और क्यू नॉट को क्यू टू बोला है, तो यहाँ पे क्यू वन और ये Q2 बनेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, और इसका अंतर R12 जो भी लिखना है। चलिए यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट होता बेटा पता है सबको जूल में होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, उसको कन्वर्ट करोगे तो 1.6 × 10⁻⁹ लिखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी जो भी फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले को पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखना है वो बता देता हूँ और ख़त्म करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था मेरे पास 1/4πε0 यहाँ पे Q1 Q2/r, यस, ऐसे ही लिखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही फार्मूला रखते हैं और आगे बुक्स में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है देख लेना, ठीक है ना। तो 1/4πε0 ये Q2, ठीक है, ये R और ये Q1, ठीक है बेटा। इस ये जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को V2 बोलेंगे, Q2 के कारण, है ना, ओके, और ये Q1, बात समझ में आ रही, या ऐसे भी लिख सकते थे इसको Q1 4π0 R और ये Q2 बेटा। अभी कौन है, Q1 के कारण पोटेंशियल V1 है, रेफरेंस पॉइंट R रख सकते हैं, ये Q2, बात समझ में आ रही है, ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखा V1 लिखना है, तो U2 - U1/r ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब चेंज रहा तो पोटेंशियल में, ठीक है। चलिए फटाफट अभी हम लोगों को रिलेशन बिटवीन दिखाना है, मुझे फार्मूला एक पता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई टेंशन बेटा। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब वन वैल्यू है, मतलब E इज इक्वल टू F लिखोगे, सर क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी वैल्यू वन है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं E इंटू dx, लेकिन आपको पोटेंशियल का एक फार्मूला पता है, वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सही है, वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो यहां पे dv इज इक्वल टू dw हो सकता है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह पे dv लिख सकता हूँ मैं माइनस ई और ये dx है, तो ई इज इक्वल टू माइनस dv / dx, ये इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको बेटा डीवी अपॉन डीएक्स को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अभी हम लोग जीरो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का समझा देते हैं। जीरो मतलब क्या होता बेटा, हमारे पास अभी अभी जो एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल किया था याद होगा कौन सा, ये फार्मूला किया था देखो, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 जो भी बोलना है, डिस्टेंस है बेटा वो कुछ नहीं है। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे, अगर Q1 के कारण 1/4 pi epsilon naught ये R और ये Q2 रखते, तो मैंने बोला था इसको पोटेंशियल बोलो, ये एनर्जी पोटेंशियल है ना, V1 बोलो, रेफरेंस पॉइंट R1 बोलना है बोलो, और ये Q2, मतलब V1 के जगह पे आपने क्या लिखा है, 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R लिखा है। अगर R इन्फिनिटी पे रखोगे तो V इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रखना उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो पोटेंशियल जीरो हुआ कि नहीं हुआ, समझे क्या मतलब, आपको कोई पार्टिकल एक चार्ज जो है इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा तब पोटेंशियल उसका जीरो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया सर, सेम डायग्राम, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी निकाली वैसे पोटेंशियल निकालना है, बस इस चार्ज की क्यू नॉट की वैल्यू 1 unit है ऐसे मान के चलना है। सेम है देखो, खाली यक्स अंतर बोला है, बस आर बोला है, फोर्स का फार्मूला वही है। फोर्स का फार्मूला देखो, पहले ऐसे लिखा था 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर, आर ए क्या नहीं यक्स लिखा है, डिस्टेंस यक्स लिखा है। आपकी डायग्राम देखो, पेज ओपन करके यक्स की वैल्यू, बात समझ में आ रही बेटा। सर फार्मूले में तो आपने अभी अभी लिखा है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिखो ना सर, क्यू नॉट कहाँ गया, यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू 1 है बेटा, वही फार्मूला 1/4 pi epsilon Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर ही है। ओके चलो, वर्क डन क्या है बेटा बताओ, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स उधर है और मैं पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ और फोर्स इस साइड में है, या इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड में है ये भी बोल सकते हैं। चलिए सर पुटअप करो, तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे एफ की वैल्यू बेटा मेरे पास 1/4 pi epsilon naught कैपिटल क्यू अपॉन यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डीएक्स नहीं बेटा, हमारे पास अंतर जो है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है, तो डीएक्स के फॉर्म में लिखो डीएक्स, तो यहाँ पे भी डीएक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं, ये माइनस ध्यान रखना, ये वर्क डन बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 1/4 pi epsilon naught ये क्यू भी बाहर निकालता हूँ, इंटीग्रेशन ये यक्स ऊपर गया तो माइनस, और इसका इंटीग्रेशन सेम, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल करते हैं सर, पोटेंशियल क्यों मैं बताता हूँ, वर्क की जगह पे पोटेंशियल कैसे रख सकते हैं इसका मिसाइल, या पहले रख देते ऐसे ही रख देते, वर्क ही रख देते, ठीक है कोई टेंशन मत लो। चलो तो ये वर्क डन है बेटा, यहाँ पे देखते हैं माइनस क्यू बाय 4 pi epsilon naught इसकी जो वैल्यू माइनस 1/x होती है, और लिमिट भी होगा इन्फिनिटी से कहाँ ला रहा हूँ, आर तक ला रहा हूँ, मतलब कोई चार्ज है इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे ला रहा हूँ ऐसा मानना है, ठीक है। तो चलिए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught है ना, ये कहाँ से कहाँ लाया हमने, इन्फिनिटी टू आर लाया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा बेटा 1/x, और ये आर टू इन्फिनिटी है, तो वर्क डन इज इक्वल टू द क्यू बाय 4 pi epsilon naught यहाँ पे 1/r और यहाँ पे 1/∞, तो वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्यू बाय 4 pi epsilon naught यहाँ पे स्मॉल क्यू माना है, तो मुझे लगता है कि स्मॉल क्यू लिखना चाहिए बच्चों, आपने स्मॉल क्यू माना है यहाँ पे, सॉरी स्मॉल क्यू माना तो स्मॉल क्यू लिखो, कैपिटल क्यू माना तो कैपिटल क्यू, नहीं तो आपको लगेगा मुकेश सर कुछ गलत पढ़ा रहे क्या, नहीं गलत नहीं है, बस इतना ही है कि जो बोला है वो लिख रहा हूँ है ना, और ये आर या वर्क डन जो होता है ये एक्चुअली पोटेंशियल का फार्मूला, वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेटा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसलिए V इज इक्वल टू W लिख सकता, तो V इसको 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर, थोड़ा सा अच्छा लिख रहा पोटेंशियल का फार्मूला बेटा, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव रहता है, अगर निगेटिव चार्ज रहा तो निगेटिव पोटेंशियल भी होता है, 1/4 pi epsilon naught माइनस क्यू अपॉन आर, ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है पोटेंशियली 1/4 pi epsilon यहाँ पे ग्राफ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने देखा
देखो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा आर स्क्वायर, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे है और ये मीट होता है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। अभी अभी फार्मूला देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ दोबारा, 1/4π ε₀ क्यू बाय आर स्क्वायर है ना, और पोटेंशियल का जो फार्मूला है 1/4π ε₀ क्यू अपॉन आर, इतना फर्क है, ये ध्यान रखना दोनों फार्मूले, ठीक है। चलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण, दो डायपोल होने के कारण सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये फाइंड करके देना है। इस पॉइंट पे मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना सी पे है और निगेटिव चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना है। तो हम लोगों को अभी अभी पता है पोटेंशियल ऑफ ए दिया है, क्या ए, इसके कारण जो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4π ε₀, मैंने बोला था पॉजिटिव तो पॉजिटिव और अंतर जो है बेटा वो आर वन है ना, आर वन, ठीक है, ध्यान रखना बेटा एक एक क्वेश्चन। और पोटेंशियल ऑफ बी के कारण सी पे कितना पोटेंशियल है वो निकालो सर, तो निगेटिव चार्ज है बस, फार्मूला सेम ही 1/4π ε₀, यहाँ पे माइनस क्यू, ये आर टू अंतर है तो आर टू लिखो। वी सी मतलब नेट पोटेंशियल ऑफ सी पे ए और बी के कारण कितना है, तो कैसे लिखोगे, वी ए प्लस वी बी, तो वी सी, वी ए पॉजिटिव है इसलिए मैं लिख सकता हूँ 1/4π ε₀। यस बच्चों, ये क्यू भी बाहर निकालता हूँ बेटा, मेरे पास 1/r₁ रहेगा और ये 1/r₂ रहेगा, थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट बदल रहा हूँ, कोई टेंशन तो नहीं भाई, समझ में तो आ रहा है ना, 1/4π ε₀ क्यू को बाहर निकाला। अब देखो यहाँ पे ये 1/r₁ है, ये माइनस था इसलिए -1/r₂ है, लेकिन ये r₁ क्या है, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज हो सकता है, ध्यान रखना एक्चुअली ये जो r₁ है ना ये आर ये बराबर है, लेकिन जैसे कि एंगल के सामने ये ही है थीटा, यहाँ पे भी थीटा, थीटा के सामने की एल साइन थीटा है, ठीक है ना, फिर ये कौन बनेगा, एल कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, देखो ये हाइपोटेनस है इसलिए एल है, इसके अपोजिट साइड एल साइन थीटा होता है और एडजेसेंट एल कॉस थीटा होता है, ये थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए बेटा। यहाँ पे भी देखो अपोजिट एल साइन थीटा, बुक लेके बैठो बेटा बहुत मजा आएगा, फिर एल कॉस थीटा होगा, है ना, दो डायपोल, ध्यान रखना कभी भी डायपोल का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए पी का डायरेक्शन ये दिया वाला है, ठीक है ना, छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए। तो आर वन क्या बनेगा सर, अब ये आर वन आर के बराबर है, आर वन आर के बराबर है, लेकिन सर ये इतना माइनस करना पड़ रहा है क्योंकि ये पार्ट जो है ना इसके बराबर है ऐसा, तो ये माइनस करना पड़ेगा एल कॉस थीटा, ये बात समझ में आना चाहिए, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बड़े झूम करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा अभी मानना ही पड़ेगा। और आर टू जो बेटा वो है आर प्लस एल कॉस थीटा, मैं बता देता हूँ, देखो ये जो आर टू दिख रहा है आपको, ये आर टू ये इसके बराबर है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ आ रहे और ये एल प्लस कॉस थीटा है, ये वैल्यू पुटअप करनी है और कैलकुलेशंस करने हैं हमको। तो वी सी ये है क्यू बाय 4π ε₀ बेटा, यहाँ पे 1/r₁ की वैल्यू मेरे पास एल माइनस कॉस थीटा और माइनस ये है आर प्लस एल कॉस थीटा, शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फटाफट करना है क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन है, बहुत डिटेल देखना है तो वन शॉर्ट वीडियो है आपके लिए, ठीक है, चलो क्रॉस करो, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस होगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, समझ में आ रहा है बेटा आपको, ये फार्मूला ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, फार्मूले थोड़े से याद नहीं है तो करना तो पड़ेगा भाई, है ना, तो ये प्लस माइनस वाला गेट कैंसल है, यहाँ पे क्यू बाय 4π ε₀, ये होगा बेटा यहाँ पे 2l cos थीटा, और थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना बेटा r स्क्वायर, सर ये कहाँ गया बेटा, ध्यान रखना ये जो r है ना हमारा ये बहुत दूर होना चाहिए, डायपोल बहुत छोटा है, ये डायपोल है, ये यल है, ये यल है, ये पॉजिटिव क्यू है, ये निगेटिव क्यू, तो डायपोल छोटा है और सी पॉइंट कहीं दूर है, इसका मतलब ये है, ऐसा बुक्स ने बोला भी है तो टेंशन मत लेना, लेकिन पी की वैल्यू बेटा क्यू इंटू टू यल, यस पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला है, तो वी सी मुझे लगता है कि यहाँ पे 1/4π ε₀, ये पूरा है पी और ये कॉस थीटा एज इट इज है बेटा, और ये आर स्क्वायर, ये सी पॉइंट पे, कहाँ सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द
है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण सी पॉइंट पे इतना पोटेंशियल मिलेगा। अब इसके थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर आर मल्टीप्लाई करो सर, तो इस हिसाब से लिखा जाए तो वी सी इज इक्वल टू द 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर होगा, डिवाइड बाय या आर क्यूब होगा, है ना। ऐसे भी वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैप में भी लिख सकते हैं, तो ये सही यहीं तक है, लेकिन वेक्टर फॉर्म आपको आना चाहिए। उम्मीद कर रहे कि ये बहुत ही खतरनाक, बुक में ऐसा नहीं दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, देखते बेटा, है ना। देखो ये क्यू वन के कारण पी पे कितना पोटेंशियल, क्यू के कारण, क्यू थ्री के कारण, क्यू एन के कारण, तो हम लोग पोटेंशियल का तो फार्मूला क्यू वन अगर लिखेंगे तो 1/4 pi epsilon naught क्यू वन अपॉन आर वन बोल सकते हैं। वी टू पोटेंशियल कैसे बोलेंगे, 1/4 pi epsilon naught क्यू टू आर टू, ऐसे डैश करते वी एन, है ना, तो 1/4 pi epsilon naught क्यू एन आर एन, ठीक है। तो वी पोटेंशियल कैसे करोगे, ऐड वी वन वी टू प्लस डैश वी एन, तो वी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught को कॉमन रखता हो बेटा, करेक्ट है। अब यहाँ पे समेशन कर देते डायरेक्ट, है ना, क्यू आई आर आई, आई इज द इंटीजर, आई इज इक्वल टू 1 to n तक चार्जेस ले सकते, तो ऐसा पोटेंशियल पी पॉइंट पे मिलेगा सभी चार्ज के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, उस सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल गिनोगे तो सेम मिलेगा। जैसे कि आपने किसी ने बोला कि सर ए पे और यहाँ पे सी पे, मुझे बताओ पोटेंशियल कितना है, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम पोटेंशियल है, तो वर्क नहीं होता है, है ना। तो चलिए ये सभी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है बेटा, इसका करने की जरूरत नहीं है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है पूरे के पूरे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक, हाँ सिंपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चार्ज डिपेंड है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन असिम्बल द सिस्टम चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन, है ना। मैंने ये ऑलरेडी कंसेप्ट लिया है लेकिन दोबारा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई पॉइंट बेटा, एक चार्ज आ रहा है, एक चार्ज जब यहाँ पे लाता है तब कोई वर्क नहीं होता है, हमने देखा है क्यू वन जब ला रहा था कोई नहीं था, लेकिन जब दूसरा जब चार्ज लाऊंगा तो पहला क्यू वन क्यू टू रिपेल करेगा और यहाँ पे वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दूसरा जब चार्ज लाओगे तो अगेंस्ट में किसी के वर्क होने वाला है, तब पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलिए अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बता देता हूँ, जब मैंने कहीं चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्यू वन को जब धीमे धीमे यहाँ लाया, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ध्यान रखना कोई एक्सटर्नल एनर्जी कोई नहीं, तो बेटा यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं, क्यों, किसी के अगेंस्ट में नहीं, आराम से चार्ज लाया रख दिया ए पॉइंट पे, तब पोटेंशियल बनेगा उसके कारण, और वो पोटेंशियल होगा 1/4 pi epsilon q1 upon आर जो भी दिया होगा आर वन, ठीक है। लेकिन जब क्यू टू नाम का जो चार्ज है धीमे धीमे बी पॉइंट पे जब लाऊंगा तब इस पोटेंशियल के कारण वर्क करना पड़ेगा, क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है और ये चार्ज को लाने में तकलीफ होगी, करेक्ट है बेटा, ओके आता हूं। तो वर्क जो होगा बेटा वो होगा पोटेंशियल ऑफ वी वन, है ना, मल्टीप्लाई चार्ज क्यू टू, तो वर्क होगा बेटा यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught ये क्यू वन ये आर 1 to 2 और ये हो गया पोटेंशियल इंटू क्यू टू, बात समझ में आ रही है, या वर्क ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 pi epsilon naught ये क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर 1 to 2, ओके। ऐसे करते करते इस सिस्टम पे बेटा दूसरा यंथ नंबर ऑफ चार्जेस ला सकते हैं, तो यंथ नंबर लाना है, दूसरा लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया, ऐसा बोल सकते हैं ना आप लोग, लेकिन इसके लिए फार्मूला कुछ नहीं अभी, तो सिंपल सी बात है बेटा, इसके अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जैसे कि 1/4 pi epsilon naught, देखो हमारे पास सर क्यू वन चार्ज है, आर बाद में लिखते, क्यू टू चार्ज है ना हाँ ये आर, और क्यू थ्री चार्ज ला रहा हूँ, समझो देखो ये ए पॉइंट, ये दूसरा बी था, अब सी, तो क्या करोगे इस पोटेंशियल एनर्जी को बेटा, 1/4 pi epsilon ऐसे लिख सकते हो आप लोग, क्यू वन ये क्यू थ्री लाया, क्यों नहीं लिखा था आर, देखो ये आर 1 3 लिखना, जो थे 1 3 1 3 लिखो, यहाँ पे क्यू टू क्यू थ्री और ये आर 2 3, बात समझ में आ रही है क्या। ऐसे फोर्थ चार्ज ला सकते हैं, फिफ्थ ला सकते हैं, सिक्स ला सकते हैं, यन तक ला सकते हो, ओके। तो अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड में, पहले एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी वहाँ पे, अभी ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब अभी ये देखो एक्सटर्नल फील्ड में किसी चार्ज को ला लिया आपने ऐसे उठा उठा के यहाँ पे ए पॉइंट पे, ये चार्ज का नाम है क्यू वन, तो ये चार्ज ला, तो यहाँ पे अब वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में,
मतलब पहले चार्ज को जब ला रहा था तब कोई भी वर्क नहीं था, ओनली पोटेंशियल थी उसके कारण, अब वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे ज़्यादा तो नहीं आते हैं, ठीक है, जहाँ आते हैं वहाँ पे मैं बोलते रहूँगा। तो यहाँ पे कैसे अभी लिखना है तो लिख सकते, इसके लिए वर्क कैसे हुआ तो है ना, वर्क कैसे हुआ वो बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल। मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ जाते बेटा, नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इधर फोर्स क्यों लग रहा है, ये फोर्स है बेटा, या इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, समझे। ये चार्ज इधर क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, तो ये डायपोल ऐसा रहना चाहता है। और ये पी का डायरेक्शन ऐसा क्यों दिया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो टॉर्क का एक फार्मूला याद होना चाहिए, पी क्रॉस ई, अगर क्रॉस रहा तो पी ई साइन थीटा बनेगा, करेक्ट है बेटा, पी ई साइन थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं। चलिए मुझे क्या लग रहा है अभी कि हम लोगों को जो भी वर्क है वर्क निकालना, क्योंकि वो घूम रहा है मतलब वर्क कर रहा है बेटा किसी के अगेंस्ट में, तो वर्क होगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क, ये थीटा पे डिपेंड है लेकिन, और डी थीटा, ओके। एक्चुअली वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को लिखते बेटा टॉर्क रोटेशन में, डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा लिखते, ये थीटा पे डिपेंड है। चलिए तो वर्क इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है बेटा वो लिखता है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो वर्क इज इक्वल टू ये पी ई इंटीग्रेशन इनिशियल थीटा, थीटा नॉट है और फाइनल थीटा, थीटा ये साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए वर्क इज इक्वल टू पी ई माइनस, मुझे लगता है कॉस थीटा है, ये थीटा नॉट है और ये थीटा है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे पी ई हायर लिमिट कॉस थीटा माइनस, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा नॉट है, हाँ, और माइनस, एक मिनट बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस है ना, कॉस थीटा नॉट, इनिशियली थीटा नॉट मतलब इनिशियल है। तो चलिए तो वर्क इज इक्वल टू पी ई, मैं थोड़ा सा इसको कॉस थीटा प्लस वाला और माइनस वाला इधर लिखता हूँ, चलेगा चलेगा भैया। ये आपके पास वर्क आना चाहिए था, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। इसके केसेस रख सकते हो, इनिशियली थीटा अगर आपके पास पाई बाय टू रहा तो क्या आएगा, है ना, थीटा इज इक्वल टू जीरो रहा तो, ये केसेस आपको रखनी है, लेकिन अभी केसेस में करके नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पे दिवाल है ना कि जीरो रहा तो क्या होता है और क्या नहीं है पता है ना, अभी 90 जीरो तो ये माइनस माइनस पी मतलब मिनिमम, और थीटा नॉट वन आता है तो ये मैक्सिमम मिलेगा, तो वहाँ पे देखना आपको, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल लिए थे मैंने, हाँ। कंडक्टर इंसुलेटर, अब कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑल ओवर द इलेक्ट्रिसिटी हो, इसको कंडक्टर कहते हैं बेटा, जैसे मेटल, ह्यूमन अर्थ या एनिमल्स बॉडी है, ऑल कंडक्टर है। और इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसमें से करंट फ्लो होता नहीं है, इसी को बेटा इंसुलेटर कहते हैं, है ना। लिस्ट कुछ प्रॉपर्टीज की दी वाली है मैंने, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इंसुलेटर क्या है, ये पूरा कंडक्टर होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, इसमें से कोई चार्ज फ्री नहीं होते और टाइटली बाउंड होते हैं इसके चार्ज, ओके। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे फ्री चार्ज किसको कहते हैं, कोई मेटेलिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल की इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो फ्री होते हैं, इसी को फ्री चार्ज करते हैं। और बाउंड चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस विच कंसिस्ट्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन कीप द चार्ज फिक्स देयर पोजिशन, उसके चार्ज फिक्स पोजिशन पे, वो चार्ज को बाहर नहीं आने देते, तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा बाउंड चार्ज, बांधे है न्यूक्लियस के साथ। अब डाइइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो है ना। अब दूसरी बात, ये डाइइलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है बेटा, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है, ऐसा बनाने वाले, हमको कैपेसिटर बनाना है, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, वैसे कुछ करने जा रहे हैं धीमे धीमे, है ना। तो ये जो है बेटा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से उसके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होता है दूसरे एक तरफ, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अलग अलग जगह पे आ गए, तो दो पोल तैयार हो गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब पहले क्या होता है समझो, एक आइटम से हमारे पास, ओके सर, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर है समझो, सॉरी न्यूक्लियस है। अब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, पता होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका सेंटर ऑफ मास यही होगा,
और इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, इसका भी सेंटर ऑफ मास यही होता है, सेंटर पे। तो ये दो पोल नहीं है फिर, एक ही जगह पे है ना। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो आपको पता है इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव का, तो इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का इधर आता है और निगेटिव का इधर आता है। दो पोल तैयार हो गए, देखो ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो यहाँ पे दो पोल तैयार हो गए, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोल तैयार हो गए, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा होता है, इतना दूर नहीं होता, थोड़ा सा, ठीक है, और निगेटिव चार्ज का इधर हो गया, किसके कारण? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के कारण, इसी को पोलराइजेशन करते हैं। इसी से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ गए। पोलर मॉलिक्यूल में आपको पता होगा दो पोल तैयार होते हैं, जैसे कि HCl, हमारे पास HCl है। अब H क्या बेटा? हाइड्रोजन। इसके पास पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कंसिडर करते हैं, और निगेटिव चार्ज क्लोरिन का यहाँ है, मतलब ये निगेटिव बेटा और ये पॉजिटिव। तो डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे भी देखो, इसका निगेटिव चार्ज यहाँ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर है बेटा। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, डिस्प्लेस हो गए, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का डज नॉट कॉइंसाइड, एक के ऊपर एक नहीं होते हैं, इसी को बेटा हम लोग पोलर। और ये असिमेट्रिक होता है, ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल टेनी है। एग्जाम्पल दे सकते बेटा HCl, वाटर, अल्कोहल, NH3, जो भी एग्जाम्पल देना दे सकते, ठीक है, ये पूरा मैंने पढ़ा। अब नॉन पोलर में क्या होता बेटा, कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास समझो यहाँ है, यहाँ दिख रहा है आपको, और निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे उनका सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर बेटा एक है। तो ये कॉइंसाइड होते हैं, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कॉइंसाइड, इस कॉल्ड एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये सिमेट्रिक शेप होता है बेटा उसका, एग्जाम्पल यहाँ पे दे वाला है, हाइड्रोजन है, यस है ना, CO2 है, जो भी एग्जाम्पल देना है दे सकते हैं, ओके, सिंपल सिंपल चीज है। अगर बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फील्ड, तो उसके कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। लेकिन भले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिए ऐसे, तो मैंने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते, तो क्या होगा, इसके जो सेंटर ऑफ मास निगेटिव चार्ज इसके तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ, इसके तरफ इधर आएंगे निगेटिव चार्ज वाले सर पे, सेम सब आएंगे, सॉरी, और पॉजिटिव इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर आएंगे, तो दो पोल तैयार हो गए, पॉजिटिव एक तरफ, एक तरफ पॉजिटिव, देखो ये ऐसे होगा, पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव एक तरफ, दो पोल तैयार हो गए। इसीलिए एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से इसके अंदर पोलराइजेशन होता है, भले वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहा तो भी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, पोलराइजेशन पोलर भी रहा, अब पोलर मॉलिक्यूल से यहां पे, लेकिन इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो मिलता है, मतलब सर बेटा भले पोलर है, पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो, क्यों, एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाते, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है और वो कैंसिल आउट होते, तो कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते बेटा, वैसे वो तुरंत अपना पोलराइजेशन का इफेक्ट दिखाता है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से, ठीक है। और पोलराइजेशन का एक फार्मूला है, दुआ में याद रखना, P = KE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। चलिए अभी रिडक्शन कैसे होता है इसके कारण। अब क्या हुआ बेटा, जैसे मेरे पास दो प्लेट है, एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ये प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और इसके ऊपर हमारे निगेटिव चार्ज है। मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिकल मीडियम मटेरियल डाला, जैसे डाला पॉजिटिव की तरफ कौन आएंगे, इसके अंदर पोलराइजेशन हो गया, ये डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल है, पोलराइजेशन हो गया, तो निगेटिव चार्ज इधर आएंगे, निगेटिव चार्ज इधर आएंगे, और ये निगेटिव की तरफ पॉजिटिव आएंगे। तो हुआ क्या बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इधर ऐसे इन, ठीक है ना। अब हुआ ये कि इस दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल डालने से पॉजिटिव चार्ज के तरफ निगेटिव आ गए, निगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गए, पोलराइजेशन हुआ, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई, इसको EP कहते हैं, पोलराइजेशन कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई।
आपके बुक्स में दिया होगा, सॉरी अभी बुक में देख सकते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इनऑड बोला होगा, जान दो छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो। तो ई नेट कितनी मिली है आपके बुक्स में, जो दिया वही लिखो, लेकिन ना तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी मेरे पास, या इनऑड बोला है मैंने इसको, इनऑड बोलो, और ई पी माइनस करना है, रिडक्शन हो गया। देखो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसको कुछ अपोज हो गया, ये इतना अपोज करिए माइनस होगा, इसी के कारण इसको रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, रिडक्शन वही सिखाया मैंने, रिडक्शन सिखाया आपको। चलिए अभी कैपेसिटर और कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम बेटा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, और जब लगता है तब सडनली देना, जैसे फैन को कैपेसिटर नहीं रहा तो फैन चलता नहीं है, आपके मालूम के लिए। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक प्लेट ले ली, और इस प्लेट के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया, दूर से रखा, इसके कारण पोटेंशियल V1 होगा। बाद में और चार्ज लाया, और पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि एक चार्ज पोटेंशियल बढ़ाते रहे, और चार्ज लाया, पोटेंशियल बढ़ते 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 पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्या हुआ, Q बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ रहा है बेटा, चार्ज बढ़ने से कोई प्लेट पे पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जाता है। तो Q इज इक्वल टू, मैं CV लिख सकता हूं, C एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, और C इज इक्वल टू Q बाय V। C इज द कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है बताता है, लेकिन भले कैपेसिटर का फॉर्मूला Q बाय V है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, कैपेसिटर डिपेंड होता है उसका शेप और साइज के ऊपर, और दो प्लेट के बीच का अंतर के ऊपर। तो वही हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोगों को प्रिंसिपल पढ़ना है कैपेसिटर का। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कैपेसिटर की प्लेट ले ली, पॉजिटिव चार्ज लाता 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 एक 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 लाता था। तो क्या हुआ, ये चार्ज को जैसे जैसे चार्ज लाए वैसे वापस करते होंगे ना, वही चार्ज बढ़ रहा है तो एक चार्ज को लाना है, तो बोलेंगे इतने सारे चार्ज, ये चार्ज को वापस कर रहे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था चार्ज स्टोर करना। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि वहां पे एक प्लेट और रखी साथ में, जैसे प्लेट रखी वैसे इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ आगे निगेटिव, और दूसरे साइड में आएंगे पॉजिटिव आउटर साइड में। ठीक है भाई, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव को, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव को, एक दूसरे को भाई उसका जो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है भैया, इसने ला लिया लेकिन निगेटिव क्या करेगा, ये इसका पावर कम कर देगा, पॉजिटिव पोटेंशियली निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो इसके कारण क्या होगा, मैंने इसको अर्थिंग को ला लिया, ये अर्थिंग चला गया, तो दो प्लेट पैरेलल पॉजिटिव 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 पैरेलल प्लेट बना। इससे क्या हुआ बेटा, आप चार्ज लाओगे, चार्ज लाने से कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे वी पोटेंशियल, यहाँ वी वन मान रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है ना। अभी क्या होगा, पहले सिंगल प्लेट थी, और सिंगल प्लेट पे पॉजिटिव 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 ये पॉजिटिव चार्ज, बाद में एक कंडीशन ऐसी आ रही थी कि चार्ज लाना बहुत मुश्किल हुआ था, इस पे नहीं रखता था मैं, रख नहीं पा रहा था सॉरी। अभी क्या होगा, अब जब मैं चार्ज लाऊंगा तो ला सकते, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव ने निगेटिव, निगेटिव ने पॉजिटिव, इसको खा लिया भैया, आप कैपेसिटर में और भी चार्ज स्टोर कर सकते हो। तो आपको कैपेसिटर की जो कैपेसिटी क्यू, ये V माइनस वी वन है, क्योंकि V पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी अभी यहाँ पे बढ़ रही है। अब यहाँ पे पैरेलल, ये तो बहुत ईजी है, मुझे लगता है कि हर कोई बंदा करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो पोटेंशियल चार्ज तो सेम जाएगा, यहाँ से जितना चार्ज गया उतना यहाँ, उतना यहाँ, क्योंकि सीरीज में चार्ज को स्प्लिट होने में समय नहीं मिलता है, या रास्ता नहीं मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके V1 across V2, V3 across पोटेंशियल हो रहा है, तो जो डिफरेंस है उसको ऐड करो, V1, V2, V3। सीरीज कैपेसिटर है, कैसे पहचानोगे, कैपेसिटर ईच कैपेसिटर फ्लोइंग सेम होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अभी अभी हमने C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकता हूं, तो लिखो यहाँ पे Q by C, लेकिन सीरीज है इसलिए यस लिखो। ठीक है, यहाँ पे भी Q by C1, Q by C2, Q by C3, क्या आप समझ पा रहे हो बेटा। Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैपेसिटर में से हर समय जो जाने वाला चार्ज वो सेम, इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ। तो Q ये C, यस Q ये 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, Q Q get be cancel, 1 by C, यस 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, nth नंबर से रहा तो ऐसे लिख सकते हो Cn,
ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं, अच्छा लेकिन दो ही कैपेसिटर है तो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटर डिवाइड बाय सम ऑफ टू कैपेसिटर, समझ में आ रहा बेटा, दो ही कैपेसिटर सीरीज में रहे तो, लेकिन आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो सी बाय एन। सर ये क्या मतलब होता है आइडेंटिकल का, मतलब सेम कैपेसिटर की कैपेसिटी हो, जैसे कि पहली की 2 माइक्रोफेराड है, दूसरी की भी 2 माइक्रो, तीसरी की भी 2 माइक्रो, ऐसे रही तो। पैरेलल में तो बहुत ही इजी है, चार्ज स्प्लिट होता है, चार्ज क्या होता है बेटा हमारे पास, स्प्लिट होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो चार्ज आ गया यहाँ पे, कुछ इधर जाओ, कुछ इधर जाओ और कुछ इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, समझ में आ रहा है आपको। तो Q इज इक्वल टू Q1, Q2 और ये Q3, समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए Q क्या होगा बेटा, देखो अभी अभी हमने C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो Q इज इक्वल टू सी वी ऐसा फार्मूला लिखा था, तो Q सॉरी अभी डायरेक्ट ही डाल देते ना, है ना, अब डायरेक्ट डाल देते हैं C1 V C2 V C3 V को कॉमन निकालते हुए खत्म कर दिया मैंने, C1 + C2 + C3, मतलब ऐड करना होता है पैरेलल, जिनको रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल पता है बिल्कुल अपोजिट में काम कर रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल। अगर यंथ नंबर ऑफ कैपेसिटर आइडेंटिकल हो तो C इंटू यन, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर जो है एग्जाम्पल लिए थे मैंने, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है। देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी डायलेक्ट्रिकल मटेरियल मीडियम नहीं डाला, तब कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोगों को निकालनी है ऐसा बोला गया है। तो आउटसाइड में तो कोई नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और दो प्लेन सीट रहा, प्लेन सीट याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्लेन सीट की जो निकाली थी वो निकाल के दे रहा हूँ। एक तो पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है σ/2ε0, याद आ रहा है किसी को, σ/2ε0, तो ये क्या होगा बेटा, σ/ε0 होगा। देखो बेटा 1/2 बस मैं बेस से में तो 2σ/2 ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वही समझ जाएगा इसलिए 2 कैंसिल, तो ये σ/ε0, बात समझ में आ रही है। लेकिन सिग्मा क्या है, क्यू बाय ए, अभी ये भी बताना है बेटा कि सिग्मा का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला बेटा ये, ठीक है, कोई टेंशन है बेटा। मेरा मकसद क्या है, कैपेसिटर निकालने, कैपेसिटर का फार्मूला क्यू बाय वी है, तो वी क्या है, ई इंटू डी है, तो ई तो मिला है ना मुझे, बात समझ में आ रही है ना, क्या क्या करना है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। चलो अभी पोटेंशियल निकालना है E into D बेटा, तो E की वैल्यू है Q/A0D। चलो सर कैपेसिटर की कैपेसिटी Q/V, तो V की वैल्यू है QD/A0, Q गेट भी कैंसिल, तो कैपेसिटर डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा डिवाइड बाय, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी बेटा A/0D। मैंने बोला था ना कैपेसिटर की कैपेसिटी का अगर भले फार्मूला Q/V हो, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, एरिया एंड डिस्टेंस पे डिपेंड है, एरिया एंड शेप बोलते हैं उसके, ठीक है। अब सेम डायलेक्ट्रिकल मटेरियल मीडियम डाला तो क्या होगा, अभी अभी हमने जब कोई मटेरियल मीडियम नहीं था तब कैपेसिटर की कैपेसिटी A/0D, अभी अभी फार्मूला निकाला है, अभी ज़्यादा देर नहीं हो चुकी है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है तब थी Q/ε0 और क्यू था पुनला Q A/ε0, याद आ रहा है बेटा, जब डायलेक्ट्रिकल मीडियम नहीं था तब ये फार्मूले मैंने लिख के दिए थे, लेकिन मैंने डायलेक्ट्रिकल मटेरियल डाल दिया तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव चार्ज आएंगे, निगेटिव की तरफ पॉजिटिव आएंगे और पोलराइजेशन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। देखो ये इधर है, करेक्ट है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। तब बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन कारण σ/ε0, तो ये क्यू पी पोलराइजेशन के कारण, बस पी इसीलिए लिखा कि डायलेक्ट्रिकल मटेरियल डालने पे पोलराइजेशन हो गया और रिडक्शन भी हो गया। सर रिडक्शन कैसा था, E0 EP, याद है रिडक्शन क्यों होता है, रिडक्शन मैंने अभी अभी पता है आपको, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, ओके। तो कितने टाइम्स होगा, ऐसे भी लिख सकते E0/K। अब देखते हैं, ध्यान देना बेटा, मुझे निकालना है, मेरा मकसद क्या है, कैपेसिटर, मैंने क्या बोला Q/V,
वी क्या होता बेटा, ई इंटू डी, और ई निकालना पड़ता, तो ई तो निकाला मैंने, अब ये फार्मूला ई इंटू डी निकालना है, तो ध्यान देते हैं अभी, देखो पोटेंशियल ई नॉट, ये डी माइनस डी, सर ये क्यों लिखा है आपके मन से नहीं, ध्यान रखना। देखो बेटा मैंने पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, इसके कारण इसके अंदर पोलराइजेशन हुआ, तो ये जो बची है इसको ई नॉट बोलेंगे, ये बाहर वाली, ये डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंदर, और अंदर जो है ईपीए, बाहर ई नॉट है, तो ई नॉट कैसे निकालेंगे सर, ई इंटू डी फार्मूला निकाला, तो ई नॉट, डी कैसे निकालेंगे, डी में से टी माइनस करो, देखो डी मतलब दो प्लेट के बीच का अंतर है, और टी मतलब थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई टेंशन तो नहीं है, प्लस प्लस आप देखो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगी, इसको लिखते हैं ई मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ प्लेट, लेकिन ई की वैल्यू ई नॉट बाकी है, तो ये ई नॉट, ये डी माइनस टी, और ये है ई नॉट अपॉन के, और ये टी है, चलिए मुझे लगता है ई नॉट को कॉमन निकाला जाए, तो ई नॉट बचा है मेरे पास बेटा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, मेरा मकसद क्या बेटा, कैपेसिटर लेकर, तो क्यों मुझे लगता है ई नॉट की भी वैल्यू डाल देते सर, ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए, है ना, ई नॉट की वैल्यू है मेरे पास देखो क्यू अपॉन, है ना, तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी माइनस टी प्लस, थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन मकसद हमारा कुछ और है बेटा इस चैप्टर का, है ना, शॉर्ट रिविजन है इसलिए बता रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे कम समय में करना है तो यही करना पड़ेगा ऐसा, q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है, q q k भी कैंसिल, ये ऊपर गया, तो ये a एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी मिली, बात समझ में आ रही, अगर d के जगह पे हम लोग t डालते हैं, है ना, t के जगह पे भी बोल सकते हो, तो यही फार्मूला मुझे लगता है C इज इक्वल टू, ध्यान रखना, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, देखो d माइनस डी प्लस डी बाई के, तो ये d d तो कैंसिल होगा बेटा, तो ए एप्सिलॉन नॉट d बाय के, या कैपेसिटर की कैपेसिटी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए एप्सिलॉन नॉट k बाय d मिलती है, ये कैसे से बेटा, है ना, बस पहले फार्मूला में k आ रहा है, अगर आप लोगों ने ये फार्मूला देखा होगा, देखो एप्सिलॉन खाली k आ रहा है बस यहाँ पे, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये केसेस आप लोग देख सकते हो, आगे 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 भाई क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आगे क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट बेटा, यहाँ पे ये जो है प्लेट, इसके अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, और इस चार्ज के कारण जो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है, मुझे लगता है क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई, के इज द कॉन्स्टेंट है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मुझे करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा सर, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट के मुझे लगता है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे भी डी ई अपॉन डी टी, मुझे लगता है ये करंट है ना, ये करंट है बेटा, तो ए एप्सिलॉन नॉट के ये डी ई अपॉन डी टी है, तो यहाँ पे डी ई अपॉन डी टी, ये जो करंट है ना बेटा डायरेक्टली, यही डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, हाँ अभी एनर्जी कितना स्टोर कर सकते इस कैपेसिटर में, अब मुझे बता बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्चुअली प्लेट है, इस प्लेट पे चार्ज लाया, ओके सर, इसके कारण V1 पोटेंशियल है, Q1 चार्ज के कारण, ठीक है ना, दूसरा एक चार्ज लाया सर, इसके कारण V2 पोटेंशियल, अब तीसरा चार्ज लाऊंगा तो उसको बहुत ताकत लगेगी, क्योंकि ये दोनों अपोज करेंगे लाने के लिए, तो वर्क करना पड़ रहा है मुझे, क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो पहले कैपेसिटर का जो भी फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये तो फार्मूला सबको पता होना चाहिए, उम्मीद भी रखता हूँ, क्योंकि सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, कोई हार्ड फार्मूला नहीं, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी मिलेगा, वर्क का फार्मूला बोलो, वर्क का फार्मूला क्या होगा बेटा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, जिनको पता नहीं है पोटेंशियल का ओरिजिनल फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज बेटा, तो वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, करेक्ट है, तो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, तो इसका वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, वी की वैल्यू बेटा मेरे पास या जीरो से क्यू तक चार्ज स्टोर करूंगा मैं, पहले जीरो था बाद में क्यू वन लाया, क्यू टू क्यू थ्री ऐसे लाते लाते बढ़ा रहा हूँ, वी बेटा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, चलिए वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्यू वन बाई सी और इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू और हायर लिमिट क्यू और ये जीरो बेटा, तो यहाँ पे वन बाई टू सी हायर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, तो U इज इक्वल टू वन बाय
टू ये क्यू स्क्वायर बाई सी एक फार्मूला मिल रहा है। ये इसी का फार्मूला 1/2 CV² 1/2 QV, ये फार्मूले थोड़े से आप लोगों को देखना भी है, ठीक है ना। ओके, डल सकते ना क्यू की जगह पे, हमारे पास फार्मूला क्या मिलेगा सर, क्यू की जगह पे मिलेगा CV, डाल के देखो मिलेगा कि नहीं, CC कैंसिल, यही फार्मूला मिलेगा। अभी लास्ट और फास्ट वुंडीग्राफ जनरेटर बेटा, और वुंडीग्राफ जनरेटर क्या होता है ये देखते हैं। ये वुंडीग्राफ जनरेटर जो बेटा ये डिवाइस है, ये वेरी हाई पोटेंशियल 10^7 वोल्ट अगर तैयार करना है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं सीधी बात नो बकवास डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखना कैसे आपको, तो हाई टेंशन बैटरी लगानी है, यहाँ पे एक स्प्रे कोन, स्प्रे समझते हो ना, जहाँ से चार्ज निकल सकते हैं, और दूसरा C2 है वो कलेक्टर को भी, यहाँ पे डोम लगा के रखा है, एक एंडलेस बेल्ट लगाना है जो कि बेल्ट घूमते रहेगा, पुलिस लगानी है वहाँ से जैसे घूमेंगे वैसे चार्ज को ऊपर लेके जाएगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा, ज़्यादा चार्ज होता है यहाँ पे तो लीकेज होने के या स्पार्क होने के चांस होते, इसलिए मीथेन गैस डाल देते हैं और टारगेट से यहाँ पे हिट करते कंप्लीट लाते हैं। ये डायग्राम दी वाले ड्रॉ द लेबल डायग्राम, इसके ऊपर सवाल आ सकता है ना, मतलब यहाँ पे वेरी ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, हम लोगों का वही तो मकसद है पोटेंशियल बढ़ाना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर बच्चों टेंशन मत लेना, ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम और ये इसी से 2 मार्क मिलते हैं, इतना बुक में बहुत लिखा है सर हम करे क्या, टेंशन मत लो, ठीक है। कभी कभी इसके इस्तेमाल यूजेस भी पूछेंगे, मैंने ये आप लोगों को यूजेस लिख के दिए, कैरी आउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर डिफरेंट एलिमेंट करते हैं, प्रोटेक्ट रेडियक्टिविटी आइसोटोप तैयार करना, स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इसकी स्टडी करने के लिए, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए, और कोई पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करना है तब हाई पोटेंशियल लगता है तब इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। बाय, जय हिंद, जय भारत।